मर्यादा से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है, इसलिए मुझे कंस वध का निर्णय बदलना ही होगा। किंतु कंस, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैंने तुझे क्षमा कर दिया। मेरी मैया और गोपियों को तूने जो कष्ट पहुंचाया है, मैं उसका दंड तुझे अवश्य दूंगा। किंतु तुझे अपनी जिन शक्तियों का अभिमान है, जिसके कारण तू अधर्मी कंस है, सबसे पहले मैं तेरी उन शक्तियों को गंडित करूंगा और उसके बाद तेरा अंत करूंगा कंस। विश्राम, तेरे सहस्त्र नामों में से एक नाम विश्राम भी है ना विष्णु? बहुत विश्राम कर लिया तूने और बहुत प्रतीक्षा कर ली मैंने। मैं जानता हूं कि तू नहीं आएगा, किंतु तुझे आभास नहीं है कि अब मैं क्या करने वाला हूं। गुरुदेव, आप सत्य कह रहे थे। गुरुदेव, कंस को मृत्यु दंड देने का ये उचित समय नहीं है। गुरुदेव, मैंने निर्णय कर लिया है, उचित समय आने पर ही मैं कंस का अंत करूंगा। कान्हा, तुम्हारा ये निर्णय समय के अनुकूल है, क्योंकि कंस एक विष वृक्ष है जिसकी छत्र छाया में अनगिनत सर्प पल रहे हैं। इसलिए कान्हा, तुम्हें सर्वप्रथम इस विष वृक्ष को काटना होगा, कंस नाम के विचार को समाप्त करना होगा, उसके भय को समाप्त करना होगा। हाँ गुरुदेव, आज कंस स्वयं को भगवान कहता है, परंतु हमें संसार में यह सिद्ध करना होगा कि मनुष्य केवल अपने अच्छे कर्मों से ही ईश्वर बन सकता है, अधर्म और भय से नहीं। किंतु इसमें आपको मेरी सहायता करनी होगी गुरुदेव, आपको मेरा मार्गदर्शन करना होगा। गुरुदेव, कान्हा, ये मेरा परम सौभाग्य होगा कि संसार के इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुमने मुझे चुना। मेरा जीवन धन्य हो गया। बोलो कान्हा, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? गुरुदेव, कंस के अंत के लिए मुझे गोपी और दाऊ यहाँ।